न्यूज लीक्स के मामले पर सियासी रहनुमा हुकूमत पर खूब बरसे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं ISPR ने न्यूज लीक पर नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। इन दोनों के ऊपर एक्शन है, दो बंदों को रिकमेंड किया गया है, तो मैं समझ रहा हूँ फिर चौधरी निसार को तो रहने का कोई इखलाकन जवाब नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने न्यूज लीक्स पर मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुमान कायरा का कहना है कि किसी को बचाने की कोशिश में हुकूमत खुद बुरी तरह फंस गई है। पाकिस्तान अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं ये तो इब्तिदा है, चंद दिन में फौज और खुलकर सामने आएगी। इस वक्त तो यही सूरत हाल है, कुछ दिनों बाद और आ जाएगी। ये एक दरमियानी राय है, लेकिन वो ऐसा नहीं चल सका तो फिर लड़ाई तो होगी दोनों इदारों में। ये रिपोर्ट जो मनवन है वो कौम के सामने पेश होनी चाहिए और असल जो चेहरे हैं वो बेनकाब होने चाहिए। हम पाक फौज के इस एलामिया की मुकम्मल हिमायत करते हैं। न्यूज लीक्स पर रद्द अमल के बाद लगता है हुकूमत की मुश्किल कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ने वाली है।